क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है जहां आप कहते हैं वह उस्तादों का उस्ताद है, वह राजाओं का राजा है, वह शिकारियों का शिकारी है, वह शेरों का शेर है, वह सूटर्स का सूटर है, या वह नौकरों का नौकर है। तो आइए फ्रेंड्स देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप अपने सेंटेंस के हिसाब से इजारम या वॉचवर का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप लिखेंगे इजारम, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप द के साथ लिखेंगे सिंगुलर नाउन, और उसके बाद आप ऑफ के साथ लिखेंगे प्लूरल नाउन। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो वह राजाओं का राजा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज द किंग ऑफ किंग्स, यानी वह राजाओं का राजा है। यहाँ आपने देखा इस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, और चूंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए मैंने लिखा इज, उसके साथ मैंने द के साथ लिखा एक सिंगुलर नाउन, फिर मैंने ऑफ के साथ लिखा एक प्लूरल नाउन। वह उस्तादों का उस्ताद है, ही इज द टीचर ऑफ टीचर्स, वह सरदारों का सरदार है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज द कैप्टन ऑफ कैप्टन्स, वह दोस्तों का दोस्त है। ही इज द फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, वह दुश्मनों का दुश्मन है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज द एनिमी ऑफ एनिमीज, यानी वह दुश्मनों का दुश्मन है। वह शेरों का शेर है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज द लॉयन ऑफ लॉयंस, यानी वह शेरों का शेर है। वह सूटर्स का सूटर है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज द सूटर ऑफ सूटर्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलें। वह उस्तादों का उस्ताद है, वह खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, वह राजाओं का राजा है, वह सरदारों का सरदार है, वह शेरों का शेर है। अगर आपको यह एडवांस स्ट्रक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।